यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल अभी तक और खबरों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज बीजेपी का संपर्क फॉर समर्थन अभियान की शुरुआत की है। गुरुग्राम में केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर महासंपर्क अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान यहां पर पूर्व सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग से मुलाकात की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम में पूर्व सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग के घर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, यहां पर उनसे मुलाकात की और साथ ही बीजेपी का महासंपर्क अभियान है ये, संपर्क फॉर समर्थन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 1 लाख वीआईपी से मिलने का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है पूर्व सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग के घर से। तो ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। गुलशन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अमित शाह ने बीजेपी का जो संपर्क और समर्थन अभियान है उसकी शुरुआत कर दी है और पूर्व सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग के घर से शुरुआत की गई है, जो कि दिल्ली में शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के जो 4 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की है उसे लोगों तक पहुंचाने, लोगों को जागरूक करने और साथ में 2019 जो लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में बीजेपी पार्टी जो है अब पूरी तरह से लोगों के बीच में समर्थन को लेकर के जुट गई है और इस अभियान की शुरुआत भी इसलिए की गई है। तो संपर्क और समर्थन इस अभियान के तहत पार्टी के करीब 4000 कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो भी पंचायत के सदस्य हैं वो सभी जो है अब लोगों से संपर्क करेंगे और जो भी बीजेपी की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी चुनावी मूड में नजर आ रही है और साथ ही जो 1 लाख से अधिक जो वीआईपी लोग हैं उससे भी व्यक्तिगत तौर पर वो लोग इस संपर्क फोर समर्थन के तहत जो है उनसे मिलेंगे और बीजेपी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी गुलशन, पहले DPRO की तरफ से जानकारी दी गई कि कार्यक्रम रद्द हो गया है। देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम के जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि अमित शाह का कार्यक्रम जो है जो गुरुग्राम के सेक्टर 46 में पूर्व सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग के घर पर होना था वो रद्द हो गया है और वो रद्द ही हो गया था। और ये जो अमित शाह जो है वो दिल्ली में जो है उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग के वहां से शुरुआत की है। हालांकि गुरुग्राम के सेक्टर 46 में वो नहीं आए थे लेकिन पहले सेक्टर 46 से शुरुआत होनी थी हरियाणा के गुड़गांव से। तो अब हालांकि अब अमित शाह ने ये शुरुआत जरूर कर दी है संपर्क और समर्थन, तो अब जो भी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो लोगों तक किस तरह से अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों से किस तरह से संपर्क करते हैं या लोगों से किस तरह से समर्थन की अपील करते हैं तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब 2019 भी लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए भी इस तरह के अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर तमाम जानकारी के लिए।